नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत एक परमाणु शक्ति बना, न्यूक्लियर पावर। दुनिया के कुछ चुनिंदा देश हैं, उनमें से भारत एक है जिसके पास आज ये परमाणु हथियार हैं। तो कैसे पोखरण में वो परमाणु बम परीक्षण किए गए, उनकी कहानी आज जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये न्यूक्लियर वेपन्स एज, इस जमाने को हम कहते हैं, वो क्यों कहते हैं। देखिए, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स, ये अभी तक के मानव इतिहास के अकेले ऐसे हथियार हैं जो मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी एक झटके में लाखों लोगों को मार सकते हैं। तो अगर हमने कभी किसी हथियार को कहा हो कि ये तो हजारों को मार देगा, लाखों को मार देगा, लेकिन अभी तक वो सिर्फ कहने की बातें थी। 1940 तक ऐसा सिर्फ कहा जाता था। सन 1945 में जब पहली बार सचमुच में न्यूक्लियर फिशन बम बनाया गया, तब उसकी जो घातक क्षमता थी वो हमें देखने को मिली हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो आपको बताऊं कि एक जो न्यूक्लियर बम होता है ना, एक नॉर्मल सा जो न्यूक्लियर बम है जो कुछ 100 किलोग्राम का होता है, उसकी जो शक्ति है वो लगभग 20,000 टन TNT के बराबर होती है। TNT यानी जो एक ट्रेडिशनल विस्फोटक होता था, ट्राइनाइट्रोटोल्विन। तो जो पहला फिशन एटमिक बम विस्फोट किया गया, टेस्ट किया गया, उसकी क्षमता थी 20,000 टन TNT के बराबर। और जो पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया गया, हाइड्रोजन या फिर थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस कहते हैं इसे, ये जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है फिशन डिवाइस, उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है, तो उसकी क्षमता थी 10 मिलियन TNT के बराबर। तो ये एक अभूतपूर्व बम बनाने की क्षमता थी जो इंसान के हाथों में आ गई थी। और अब एक साधारण बम के मुकाबले एक न्यूक्लियर बम गिराने से आप एक पूरे शहर को ख़त्म कर सकते थे कुछ मिनटों के अंदर। और न्यूक्लियर बम में ऐसा क्या होता है, देखो न्यूक्लियर बम में जो ब्लास्ट होता है उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि पहले तो उस ब्लास्ट से लोग मारे जाएंगे, फिर जो आग लगेगी उससे मारे जाएंगे, और आखिर में जो हानिकारक रेडिएशन निकलता है न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण, उस रेडिएशन के कारण आने वाली कई पीढ़ियों तक उस शहर में लोग मरते रहेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही खतरनाक एक हथियार है इंसान के हाथ में। सबसे पहले दुनिया में परमाणु हथियार बनाए अमेरिका ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू किया, उसका कोड नेम था न्यूक्लियर बम बनाने के प्रोजेक्ट का। और उसे सफलता मिली 1945 में, और जल्द ही न्यूक्लियर बम का टेस्ट भी कर लिया गया अमेरिका द्वारा, जब जापान के दो शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, 6 और 9 अगस्त 1945 को ये बम गिराया गया। तो ये फोटो है हिरोशिमा की, जब शहर के ऊपर एक बम गिराया गया। तो एक टिपिकल, जो आपने फिल्मों में या कहीं ना कहीं अखबारों में ये फोटो देखा होगा, न्यूक्लियर क्लाउड या फिर मशरूम क्लाउड इसे कहते हैं, ये बनता है। तो ये कई किलोमीटर ऊपर हवाई जहाज से ली गई तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पीछे समुद्र दिख रहा है। तो ये बहुत ऊंचाई से ली गई तस्वीर है, इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि उसका जो गुबार है वो कई किलोमीटर ऊपर तक आसमान में उठता है। फिर यूएसए के कुछ ही सालों बाद यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। फिर 1950 के दशक में इंग्लैंड और फ्रांस, इन देशों ने भी परमाणु हथियार डेवलप कर लिए। तो अब उस वक्त 1950 के दशक में दुनिया में 4 देश थे, अमेरिका, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस, जिनके पास परमाणु हथियार थे। चाइना भी ज़्यादा पीछे नहीं रहा, 1964 में चाइना ने भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1962 में हमने चीन से युद्ध हारा था। तो चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट करते ही भारत को भी ये लगने लगा कि अब तो हमारे पड़ोसी भी न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुके हैं, परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, तो ऐसे में शायद हमें भी अब इस बम की आवश्यकता है। और धीरे धीरे इस पर डेवलपमेंट शुरू हुआ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 15 मई तक हमारा स्टडी आईक्यू पे सभी कोर्सेज पे 50% तक डिस्काउंट है। तो आप स्टडी आईक्यू के विभिन्न कोर्सेज को जाकर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट studyiq.com पर, या फिर इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ये सभी वो कोर्सेज हैं जिनके लिए हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं घर बैठे, तो इन कोर्सेज का उपयोग कीजिए। तो अगर आप भी उन हज़ारों लोगों की तरह लाभान्वित होना चाहते हैं जो हमारे कोर्सेज को पढ़कर अपनी ड्रीम जॉब की ओर अग्रसर हैं, तो आप भी जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स के PDF चाहिए, या फिर आपको ये जानकारी चाहिए कि वीडियोस कब आने वाले हैं, या कोई भी अपडेट्स है, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके लिए आप मेरा पेज लाइक कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/mahipalsinghrathod। इसे आप अपने ब्राउजर में एंटर कीजिए और उस पेज को फॉलो कीजिए। भारत की परमाणु शक्ति बनने की कहानी में सबसे पहला नाम आता है, वो है होमी जहांगीर भाभा का।
होमी भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है क्योंकि इस व्यक्ति ने 1940 के दशक में ही भारत के नेताओं को यह कहना शुरू किया कि हमें न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। जब अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर डेवलप किया 45 के आसपास, सन 1945 के आसपास, तो उसके बाद होमी जहांगीर भाभा ने भी आज़ादी के पहले ही जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको कहा कि हमें भी इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, तो हथियारों के लिए तो नहीं, लेकिन भारत के जो नेता थे उस समय उन्होंने ये तय किया कि हाँ बिजली बनाने के लिए हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। और जहाँ होमी भाभा ने दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस उनकी नींव रखी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ये मुंबई में है, और एटमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे ये भी मुंबई में है। और अब इस एटमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट को भाभा की मृत्यु के बाद भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। आपने शायद नाम सुना हो BARC, BARC और TIFR जो हैं आज भी देश के अग्रणी संस्थान हैं जहां पे न्यूक्लियर रिसर्च हो रहा है, और यहां से हमारे कई साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं, और आज भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इन दोनों संस्थानों का लीडिंग रोल है। अब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि परमाणु परीक्षण हर कहीं पर नहीं हो सकता है, जहां पर आबादी है वहां नहीं हो सकता है, थोड़ी सी खुली जगह चाहिए जहाँ पे ज़्यादा आबादी ना हो, और ऐसी जगह भारत में जो आराम से एसेसिबल थी वो एक ही थी, थार रेगिस्तान। तो भारत के थार रेगिस्तान में राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर के बीच में एक जगह है जिसका नाम है पोखरण। तो ये है पोखरण कस्बा, ये रहा पोखरण, और पोखरण से ही कुछ किलोमीटर दूर यहाँ पे आर्मी की बहुत बड़ी टेस्टिंग रेंज है। तो ये जितना भी रेगिस्तानी इलाका आपको दिख रहा है यहाँ पर आर्मी की टेस्टिंग रेंज है, पोखरण टेस्टिंग रेंज, और यहाँ पे आर्मी के एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आज भी होती हैं, और इसी जगह भारत ने अपने दोनों न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। तो ये है इंडिया की न्यूक्लियर टेस्ट साइट पोखरण में, और 1974 और 1998 दोनों बार यहीं पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। तो भारत ने अपना पहला परीक्षण किया 18 मई 1974 को, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, और इस बम के परीक्षण को कोड नेम भी दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो अब ये ऑफिशियली तो देखिए नाम ये नहीं है यूज़ किया गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी ये नाम यूज़ नहीं किया गया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बम डेटोनेट करते ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को फ़ोन किया और कहा कि बुद्ध मुस्कुरा गए हैं, स्माइलिंग बुद्धा, ये कोड वर्ड था, इसका मतलब कि बम सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। अब भारत सरकार ने और इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा कि ये बम तो बिल्कुल पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है, यानी ये तो शांति का बम है। अब देखिए कितना अजीब सी बात है, बम विस्फोट करके कहा जा रहा है कि बम शांति के लिए, हालांकि ये दुनिया को कहने के लिए था, लेकिन जब भी न्यूक्लियर हथियार आप बना रहे हैं तो टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई। भारत ये संदेश देना चाहता था दुनिया को कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम न्यूक्लियर बम डेवलप कर सकते हैं, और वो संदेश इससे चला गया। तो इस टेस्ट की खासियत ये थी कि दुनिया में पहली बार जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य हैं, P5 जिन्हें कहते हैं, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश कौन कौन से हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ और चाइना, उन 5 के अलावा भारत पहला देश था जिसके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो अपना खुद का न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट कर सके और उसे इस्तेमाल कर सके। हालांकि इसका पावर ज़्यादा नहीं था, 12 किलोटन का इसका यील्ड बताया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। और जो 3 महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे जो जिनके हाथ में इस एक्सप्लोजन की या इस टेस्ट की कमान थी, वो थे होमी सेठना, राजा रमन्ना और बसंत नाग चौधरी। ये है श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उस पोखरण की टेस्ट साइट को विजिट करते हुए जहां पर ये बम का डेटोनेशन किया गया था। और भारत सरकार ने ये साफ तौर पर कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है हथियार बनाने का, यानी हमने केवल फिशन टेस्ट किया है, हम उससे हथियार नहीं बना रहे हैं। हालांकि हम कर सकते हैं क्योंकि हमने अब ये टेस्ट कर लिया है, इसका मतलब हम बना तो सकते हैं लेकिन हम बनाएंगे नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम सेल्फ रिलायंट बने, यानी आत्मनिर्भर बने, और इसका इस्तेमाल हम शांति के कामों के लिए करेंगे जैसे कि बिजली बनाना। अब भारत में उस वक्त तक पहले से कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर थे जहां पे बिजली बनाई जा रही थी, और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हमें कहां से मिली थी, USA और कनाडा से। कनाडा ने हमें कई सारे रिएक्टर दिए थे, सोवियत संघ ने भी दिए थे। तो अब भारत ने क्या करा, वहां से जो न्यूक्लियर फ्यूल बनता था उसका इस्तेमाल इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए किया था, हथियार बनाने के लिए किया था। तो इससे दुनिया में काफ़ी नाराज़गी हुई, पश्चिमी देश काफ़ी नाराज़ हुए, उन्होंने भारत को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। ये कहा गया कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, NPT उस वक्त चल रही थी, 1968 के आसपास से NPT पे काम चल रहा था। NPT के बारे में देखिए आपको एक अलग से वीडियो में बताना पड़ेगा क्योंकि ये अपने आप में एक अलग पूरा बड़ा टॉपिक है। तो NPT पे भारत खुद काम कर रहा था कि हाँ पूरे दुनिया में सारे देशों को ये साइन करना चाहिए कि कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, और उसके बावजूद भारत ने गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों को टेस्ट कर लिया।
तो इसलिए भारत को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और यूके यूएसए कनाडा इन सभी देशों ने भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेचना या फिर किसी भी तरह का न्यूक्लियर फ्यूल देना बंद कर दिया पूरी तरह से। और ये कई सालों तक हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत आ गई, क्योंकि भारत में जो खुद की टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाई और अगले 15-20 सालों तक हमारी टेक्नोलॉजी लगभग वहीं रही जहाँ पे 1974 का लेवल था। अब हम ये देखते हैं कि आखिर सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट की आवश्यकता क्यों थी। 74 में हमने किया, दुनिया को ये संदेश देना था, खास करके चीन और पाकिस्तान को, कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हमारा मकसद पूरा हो गया। अब दूसरा टेस्ट करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि पहला वाला जो टेस्ट था ना, वो तो एक सिंपल सा टेस्ट था, वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, यानी कि दुनिया को बस दिखाना कि हाँ हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस टेक्नोलॉजी से हमने हथियार नहीं बनाए थे, वेपनाइज नहीं किया था और उन हथियारों का परीक्षण नहीं किया था, हमने तो केवल एक न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया था कि ये न्यूक्लियर फिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, और वो सक्सेसफुल हो गया। अब 1990 के दशक में ये आवश्यकता थी, 90 के 80 के दशक से ही आवश्यकता थी कि उसका हथियारों में इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसे मिसाइल पे कैसे बिठाया जाए, उसे अगर हमें हवाई जहाज से गिराना है तो उसे हवाई जहाज में कैसे लेकर जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसका टेस्ट करना जरूरी था। और फिर हमें फ्यूजन डिवाइस भी बनाना था, यानी कि थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर शक्तियों के पास ये फ्यूजन डिवाइसेस हैं और ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस बनाना, फिर छोटे छोटे फिशन डिवाइस बनाना, टैक्टिकल डिवाइस, टैक्टिकल यानी कि इतना छोटा हो कि आप उसको 100-200-300 किलो का बम है उसे प्लेन में ले गए कहीं पर गिरा दिया, ये होता है टैक्टिकल डिवाइस। तो इस तरह के हथियारों को डेवलप करना हमारा इरादा था और इसीलिए ज़रूरत थी सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट की। तो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के लिए देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कोशिश करी, लेकिन काफ़ी सारे सैंक्शंस थे, फिर इमरजेंसी आ गई, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई तो मोरारजी देसाई उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर इंदिरा गांधी वापस जब चुनकर आई 1980 के दशक में, तब उन्हें लगा कि अभी वक्त सही नहीं है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, राजीव गांधी भी नहीं कर पाए क्योंकि बार बार सैंक्शंस का डर रहता था कि भारत को अन्य कई तरह के सैंक्शंस थे, कई तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड थी वो भी रोक दी जाती थी, तो इसीलिए कोई प्राइम मिनिस्टर 1980 और 70 के दशक में टेस्ट नहीं कर पाया। फाइनली पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में हमारे साइंटिस्ट को और आर्मी को बोला कि ठीक है आप टेस्ट करो, लेकिन देखिए हमारे जो टेस्ट हैं वो पकड़े गए यूएसए द्वारा, क्योंकि यूएस ने CIA ने खास करके जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अपने कुछ सैटेलाइट स्पेशली भारत के ऊपर ही लगा रखे थे ताकि हम कोई भी टेस्ट ना कर पाएं, लगातार वो पोखरण को देखते रहते थे सैटेलाइट से, कैमरा से देखते रहते थे कि कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, तो जैसे कोई गतिविधि होती थी पोखरण टेस्ट साइट में जिससे कि ऐसा लगता कि हाँ बम आया है या फिर साइंटिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, तो फिर तुरंत अमेरिका से फ़ोन आ जाता था, और ऐसा दो बार हुआ, 95 में भी हुआ और 96 में भी हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव को सीधा बिल क्लिंटन की तरफ से फ़ोन आया कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हो, हमें पता है अगर करोगे तो अंजाम बुरा होगा, हम फिर से आपके ऊपर सारे सैंक्शन लगा देंगे, तो बहुत प्रेशर बनाया गया क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और इसीलिए दो बार तो हमने टेस्ट रोक दिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त भाजपा के नेता थे, वो भी अपनी रैली में बार बार चुनावों के वक्त कहते रहते थे कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मैं न्यूक्लियर टेस्ट कराऊंगा, और 96 में वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, उस दौरान ही उन्होंने शुरू करवा दी थी कार्रवाई कि हाँ हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, लेकिन उनकी सरकार ही नहीं चली, 13 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब 98 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी चुनकर आते हैं तब उन्होंने गो अहेड दिया कि हाँ अब टेस्ट कराया जाए, तो फरवरी मार्च 1998 में वो प्रधानमंत्री बने थे और दो महीने के अंदर अंदर पोखरण में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट हो गया। तो इस बार दो अलग अलग दिन टेस्ट हुए थे, 11 मई और 13 मई को, 11 मई को 3 टेस्ट हुए, 3 विस्फोट हुए, और 13 मई को 2, ठीक है, 3 डिवाइसेस 11 मई को और 2 डिवाइसेस 13 मई को। जो मेन साइंटिस्ट थे हमारे इस मिशन में वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने, उस वक्त वो DRDO के हेड थे, राजगोपाल चिदंबरम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी के अध्यक्ष थे, और अनिल काकोदकर जो कि उस वक्त BARC बार्क के डायरेक्टर थे। तो ये 3 मेन साइंटिस्ट हैं, अन्य कई साइंटिस्ट थे, पूरी फौज थी साइंटिस्ट की, लेकिन ये 3 हमारे मुख्य साइंटिस्ट थे, हेड थे इन डिपार्टमेंट्स के, जिनके नेतृत्व में ये परीक्षण किया गया। तो ये एक डिवाइस है, देखो इसे ज़मीन में डाला जा रहा है, ठीक है, ज़मीन में गड्ढा खोदा गया था बहुत गहरा, 100-200 मीटर गहरा, और उस कुएं के अंदर ये डिवाइस अंदर पहुंचाया गया ज़मीन में और फिर उसमें विस्फोट किया गया। तो ये है जो दूसरा डिवाइस था, शक्ति सेकंड है ये, अभी मैं आपको बताऊंगा सारे उनके बारे में। अब चैलेंजेस क्या क्या थे, तो देखो CIA लगातार 95 से देख रहा था कि भारत टेस्ट ना कर ले तो सैटेलाइट वहीं रहते थे, ठीक है, तो हमें पूरी सीक्रेसी मेंटेन करनी थी, गुपचुप तरीके से इसे अंजाम देना था, अगर अमेरिका को भनक भी लग जाती तो भारत पे फिर से प्रेशर बनाया जाता पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा कि टेस्ट मत करो। फिर प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान के रेगिस्तान में जो सैंड ड्यून्स हैं
वहाँ पर आप ज़्यादा किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते। जैसे पहाड़ों में क्या होता है ना, कैमोफ्लाज बहुत अच्छा मिलता है पहाड़ों में, गुफाओं में आप कोई भी टेस्ट कर लो। जैसे पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान ने पहाड़ी एरिया में किया था 98 में, ठीक है, भारत के टेस्ट के 2 हफ्ते के बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करा था, तो वो उसको छुपाने में काफ़ी आसानी उनको रही। लेकिन भारत के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक तो रेगिस्तान है, ज़्यादा पेड़ नहीं होते और ना ही बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं, तो इसीलिए सैटेलाइट आराम से जो भी हो रहा है ज़मीन पे वो देख सकते हैं। तो इस पूरे एरिया को कैमोफ्लाज करने का जो जिम्मा है, इस पूरे एरिया को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार करने का जिम्मा है पोखरण रेंज को, वो दिया गया भारत की आर्मी में जो आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर होती है उसकी 58th रेजिमेंट को। तो 2 महीने तक इसकी तैयारियां करी गई और बहुत सीक्रेसी मेंटेन करते हुए, केवल सीनियर साइंटिस्ट को पता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और वो साइंटिस्ट जो वहाँ पर आते भी थे पोखरण रेंज पे, उन्हें आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी, ऐसा नहीं है कि वो सिविलियन कपड़ों में घूम रहे हैं, जिससे दुनिया को ये ना लगे कि यहाँ पे कोई सिविलियन आ रहा है या कोई साइंटिस्ट आ रहा है। और रात को काम किया जाता था क्योंकि रात को सैटेलाइट थोड़ा सा कम देख पाते हैं, ऑब्वियसली दिन में एकदम ब्राइटनेस होती है, तो रात को ज़्यादातर काम होता था। और जितना भी इक्विपमेंट है, ट्रक्स हैं, क्रेन है, गड्ढा खोदने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, बम को इधर से उधर करना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है, तो उस सारा काम रात को किया जाता था। खास करके जब आंधियाँ चलती थी थार रेगिस्तान में, गर्मी के महीने में बहुत आंधी चलती है, उस वक्त काम किया जाता था। फिर जो बॉम्ब शाफ्ट था, यानी जो गड्ढा था 200 मीटर गहरा कुआ था जिसमें बॉम्ब को रख के ब्लास्ट किया गया, उसके ऊपर कैमोफ्लाज नेट लगा दिया, ठीक है, जो हरे रंग की ऐसे नेट होती है उसको लगा दिया ताकि लगे कि वहाँ पे कोई गड्ढा नहीं है। और जो भी मिट्टी बाहर निकाली जाती थी गड्ढों से, उसे सैंड ड्यून का शेप देकर रखा गया। फिर जो भी केबल हैं, तार वगैरह हैं, उन्हें भी मिट्टी से ढक दिया गया ताकि सैटेलाइट से तार पकड़ में ना आए। और एक सबसे जो मज़ेदार किस्सा है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो ये कि ये जो आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर है, इसमें लगभग 700-800 जवान वहाँ पे तैनात थे, तो उन्होंने बकायदा एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया, एक स्टैंड बनाया, वहाँ से कमेंट्री होती थी, बहुत सारे झंडे लगाए गोल पे स्टेडियम के चारों तरफ, पिच बनाई और वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करा दिया। तो इतने सारे फौजी हैं, वो दिन रात वहाँ क्रिकेट खेलते रहते थे। उससे क्या हुआ, एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ, यानी कि सैटेलाइट को ये दिखता था कि अरे यहाँ तो कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहा है। और जब ये टूर्नामेंट चलता था, जब कई सौ सैनिक वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते थे, तब 2 या 4 या 5 लोग जाके चुपचाप तरीके से अपना काम कर लेते थे और साइड में, उसी साइड के आसपास ही क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाता था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक थी, ठीक है, चकमा देने के लिए सैटेलाइट्स को। फिर जितने भी साइंटिस्ट हैं जो बॉम्बे से या फिर हैदराबाद से पोखरण आया करते थे, वो कभी एक साथ नहीं आते थे, एक एक साइंटिस्ट अकेला आता था और वो भी उसमें दूसरे नाम इस्तेमाल करते थे। जैसे APJ अब्दुल कलाम कभी फ्लाइट टिकट अपने नाम से बुक नहीं कराएंगे, दूसरे किसी नाम से बुक कराएंगे। और सभी को कोड नेम भी दिए गए थे, जैसे कलाम साहब का नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज और चिदम्बरम का नाम था मेजर जनरल नटराज। ये उनका एक फोटो है, देखिए, ये रहे APJ अब्दुल कलाम। फिर जितना भी टेक्निकल स्टाफ है वो सभी आर्मी यूनिफॉर्म पहनता था, ठीक है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये कुछ और फोटोज़ हैं जो पीछे आपको दिख रहा है, ये देखो, ये कैमोफ्लाज नेटिंग होती है, जो आपको ये दिख रही है, ये सब जो नेट है ये कैमोफ्लाज के लिए होता है। ये ज़मीन के रंग का एक कवर होता है जिसे अगर ढक दो तो ऊपर से सब कुछ एक जैसा नज़र आता है। और ये सारे वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर कोर के सैनिक हैं, अफसर हैं, जिन्होंने इस टेस्ट को सक्सेसफुली अंजाम दिया। फिर जो बॉम्ब है, जो एक्चुअल डिवाइस है, वो कहाँ डेवलप किया गया था, बार्क में, वहाँ से, बॉम्बे से बार्क से उसको कैसे लाया गया, हवाई जहाज़ के द्वारा जैसलमेर एयरपोर्ट पर, और जैसलमेर एयरपोर्ट से आर्मी के ट्रक्स में लेकर आए। और उसमें भी बहुत ध्यान दिया कि बहुत ज़्यादा लंबा कॉन्वॉय ना हो, यानी उसमें ऐसा नहीं है कि 15-20 ट्रक सिक्योरिटी के लिए लगा दिए, जी नहीं, वरना वो पकड़ में आ जाता तुरंत। तो इसीलिए केवल 4-4 ट्रक उसको लेकर आते थे पोखरण तक, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है जैसलमेर से पोखरण की, तो वहाँ पर लेकर आए उन्हें, उस कुएं के अंदर बम को प्लेस किया गया और फिर इंतज़ार किया परफेक्ट वेदर कंडीशन का। क्यों? क्योंकि देखो, बम जब विस्फोट होगा ना तो उससे रेडिएशन निकलेगा, और अगर हवा बहुत ज़्यादा पोखरण शहर की तरफ बह रही है तो फिर रेडिएशन वहाँ तक जाएगा, पोखरण तक, और वो लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इंतज़ार किया कि हवाएं बिल्कुल रुक जाएं, और 11 मई को लगभग 3:43 के आसपास हवाएं बिल्कुल रुक गई और 3:43 पर ये पहला विस्फोट किया गया, पहला टेस्ट किया। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप ये सब जो मैंने आपको बताए हैं सीक्रेसी के मेजर्स, ये सब आप और देखना चाहते हैं तो एक फिल्म आ रही है जॉन इब्राहिम की, परमाणु नाम से, जिसमें इस पूरी कहानी को बताया गया है बॉलीवुड स्टाइल में, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। आई थिंक 25 मई को फिल्म रिलीज़ होने वाली है। फिर हम बात करते हैं जो एक्चुअल बॉम्ब थे उनके बारे में। तो 11 मई को 3 डिवाइसेस डेटोनेट किए गए। पहला था शक्ति 1, ये 45 किलो टन का थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था, यानी फ्यूजन डिवाइस। ये बहुत ही पावरफुल डिवाइस होता है और ये दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास है। फिर दूसरा एक टिपिकल फिशन डिवाइस था 15 किलो टन का, और ऐसा तो हमने
1974 में भी टेस्ट किया था, तो वो 12-13 किलो टन का था, ये 15 किलो टन का था। फिर हमने एक छोटा डिवाइस टेस्ट किया, और छोटे डिवाइस का फ़ायदा क्या होता है कि इसे आप तुरंत कहीं से भी कहीं पर लेकर जा सकते हो, तो ये सिर्फ 0.3 किलो टन का था। तो और ये सभी, ये दोनों प्लूटोनियम बेस्ड थे। फिर 11 मई को ये तीन टेस्ट करने के बाद 13 मई को फिर से दो और टेस्ट किए गए, ये 0.5 किलो टन और 0.2 किलो टन। और ये जो सबसे बड़ा डिवाइस है ना, जब इसका टेस्ट हुआ था तो धरती कांप उठी थी, रिक्टर स्केल पर भूकंप जितना जो मेजरमेंट आता है, एक छोटे मोटे भूकंप का जो मेजरमेंट आता है वो आया था। और यहाँ पर मैं खुद पर्सनली भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मेरा घर पोखरण से केवल 200 किलोमीटर दूर है, तो मुझे याद है मैं छोटा था, गर्मी की छुट्टियों में हम सो रहे थे सब दिन में, और अचानक से धरती कांप उठी, हमें लगा भूकंप आया है, लेकिन शाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी जब टीवी पर आए तब पता चला कि वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब भारत ने डेटोनेट किया है और टेस्ट किया है। ये फोटोग्राफ है उस समय का जब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी और जो बड़े बड़े नेता हैं वो सभी उस साइट पे देखने आए थे कुछ दिन बाद। तो ये भी एक वो टेस्टिंग साइट है, आप देखिए ज़मीन में यहाँ कितना बड़ा क्रैक आ गया है। तो ये वो पोखरण की टेस्ट रेंज है। और 11 मई को शाम को ही अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें पूरी दुनिया के सामने ये बात खुलकर रख दी गई कि भारत ने परमाणु हथियारों का टेस्ट किया है, और हमने फ्यूजन डिवाइस भी बना लिया है, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी बना लिया है। ये उस समय के न्यूज़पेपर हैं। तो जैसे ही वाजपेयी का स्टेटमेंट आया उसके बाद US सैंक्शंस लाइकली, आप देख ही सकते हैं अमेरिका सैंक्शन लगाएगा। सैंक्शन का मतलब हम जितने भी टेक्नोलॉजी लेते हैं US से या फिर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड आती है वो सभी रुक जाएगी, वो पक्का था। और वो 13 मई को हो गया, दो दिन के अंदर अंदर ही सैंक्शन लगा दिए गए। तो सबसे पहले खास बात ये थी कि इंडिया ने P5 क्लब को ज्वाइन कर लिया, P5 यानी परमानेंट 5, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो देखो 74 वाले में हमने ऑफिशियली क्या कहा था कि हम हथियार नहीं बना रहे हैं, हमने केवल न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अब हमने ऑफिशियली माना कि हाँ हमने हथियार बनाए हैं और इन हथियारों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अब भारत परमानेंट 5 के उस P5 क्लब में, न्यूक्लियर क्लब में पहुँच चुका था। उस वक्त दुनिया में केवल 6 देश थे, भारत 6ठा देश था जिसके पास न्यूक्लियर हथियार थे। दो हफ्ते बाद 30 मई को पाकिस्तान ने भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और पाकिस्तान 7वां देश बन गया न्यूक्लियर हथियार रखने वाला। उस वक्त जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, यानी जो अमेरिका की विदेश मंत्री थी मैडलिन ऑलब्राइट, उन्होंने एक बहुत फेमस डायलॉग कहा था, भारत ने एक ऐसा गड्ढा खोदा है इस न्यूक्लियर टेस्ट को करके जिससे उसे बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और सचमुच 4-5 साल भारत को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन ये भारत के डिप्लोमैट्स, भारत के जो नेता हैं और भारत की जो पॉलिसी है वो इतनी अच्छी रही कि 2005 तक तो हमने US के साथ ही न्यूक्लियर ट्रीटी साइन कर ली थी, और अगले 10 साल में जो नेगेटिव इम्पैक्ट था पूरा जो इस न्यूक्लियर टेस्ट के कारण बना, वो हमने पूरा खत्म कर दिया। भारत को पूरी दुनिया अब भारत को एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़र से देखती है कि हाँ भारत कभी भी अपने परमाणु हथियारों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखिए क्लिंटन और ये जो जर्मन चांसलर थे उस वक्त कोल, उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि कैसे न्यूक्लियर टेस्ट सही नहीं है, और उस वक्त पूरा डर था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। तो देखो क्लिंटन ने तो कह भी दिया था कि आप टेस्ट मत करना, और दो हफ्ते बाद पाकिस्तान ने टेस्टिंग कर दी न्यूक्लियर हथियारों की। अच्छा, भारत पे क्या क्या सैंक्शन लगे। सबसे पहले अमेरिका ने अपनी जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड थी, यानी जो भी पैसा US से आता था, इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन जितनी भी वर्ल्ड एजेंसीज के थ्रू एड आती है, वो सभी बंद कर दी। तो लगभग $142 मिलियन थे, ये रोक दिए गए। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी, हथियार खरीदने, कोई भी जहाज़ एयरक्राफ्ट कुछ नहीं खरीद सकते, सब पे बैन लगा दिया। फिर अमेरिका जितने भी लोन देता था भारत को वो भी रोक दिए गए, और जितने भी इंटरनेशनल एजेंसी से हम लोन लेते थे, तो भारत ने 97 में $1.5 बिलियन तक के लोन लिए थे, वर्ल्ड बैंक हो गया, अन्य जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी से भी जो लोन है वो भी रोक दिए गए। तो काफ़ी सैंक्शंस लग गए भारत पे। हालांकि देखो 6-7 महीने बाद छोटे मोटे सैंक्शन तो उठा दिए थे, और अगले 2-3 सालों में काफ़ी सैंक्शंस हटा दिए गए। अब भारत ने दुनिया को क्या कहा। भारत ने कहा कि हालांकि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन हम हमेशा नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी रखेंगे, यानी कि हम कभी भी पहले किसी भी अन्य देश पे न्यूक्लियर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर पाकिस्तान कल को हम पे हमला करता है, तो भारत कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना करे या चीन परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना करे। कभी भी भारत पहला देश नहीं होगा जिसने परमाणु मिसाइल छोड़ी या परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया, ठीक है, नो फर्स्ट यूज। दूसरी बात, भारत ने कही कि हम न्यूक्लियर हथियार को एक डेटरेंट की तरह देखते हैं। डेटरेंट का मतलब कि हम हथियार केवल इसलिए चाहते हैं ताकि दुनिया हम पे परमाणु शक्ति का उपयोग ना करे। अगर हमारे पास परमाणु हथियार हैं तो चीन या पाकिस्तान हम पे परमाणु हथियारों से हमला करने से पहले कम से कम 50 बार सोचेंगे, और यही होता है डेटरेंस। अमेरिका, सोवियत संघ सब ने परमाणु हथियार यही कह के डेवलप किए थे कि हम डेटरेंस चाहते हैं,
हम ये चाहते हैं कि हम पे कोई हमला ना कर दे परमाणु हथियारों से। तो ये कहकर भारत ने भी अपनी पॉलिसी स्पष्ट करी। फिर भारत ने ये भी कहा कि हम कभी भी इसे ऑफेंसिव वेपन, यानी ऐसा नहीं है कि लड़ाई छिड़ गई और सबसे पहला हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, हम तभी करेंगे जब दूसरा कोई देश हम पे परमाणु हथियारों से हमला करता है, तब हम न्यूक्लियर स्ट्राइक का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। तो पोखरण के पास जहाँ पे ये न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उस टेस्टिंग साइट के सबसे नज़दीक में गांव है, खेतोलाई नाम का एक छोटा सा गांव है, 2500-3000 की आबादी है। उस गांव में कैंसर की रेट कई गुना बढ़ चुकी है, हर साल वहाँ पे कई लोग कैंसर के कारण मारे जाते हैं, कई जानवर जो हैं पे जानवर भी मरे हुए पाए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है और खेतोलाई गाँव के लोग कई सालों से सरकार को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे हमारे कैंसर के इलाज के लिए कुछ कीजिए, और अभी तक ज़्यादा इसमें कुछ हुआ नहीं है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, हर चीज़ की दुनिया में एक कीमत होती है, और भारत के परमाणु शक्ति बनने की कीमत चुकाई है खेतोलाई गांव के आम लोगों ने। अब हम आते हैं कि पिछले 20 सालों में दुनिया का रवैया कैसे भारत की तरफ बदला है। तो भारत ने पिछले 20 सालों में ये दिखाया है कि कैसे हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमारा न्यूक्लियर वेपन हम कभी भी इस्तेमाल कर देंगे, नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं है कि हर 2 महीने में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई छिड़ गई या फिर कोई बड़ी लड़ाई भी छिड़ गई, जैसे कारगिल युद्ध में दुनिया को लगा था कि भारत इस्तेमाल कर लेगा परमाणु हथियारों का, क्योंकि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था इस न्यूक्लियर टेस्ट के एक साल बाद, लेकिन तब भी हमने न्यूक्लियर हथियारों का नाम तक नहीं लिया, और इसीलिए पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं किए। तो आज भी भारत एक रिलक्टेंट न्यूक्लियर पावर है, यानी हम बहुत ही दुखी मन से इस न्यूक्लियर हथियार को बनाकर बैठे हैं। हम चाहते नहीं हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारे न्यूक्लियर हथियार जाते हैं तो पूरी दुनिया से जाने चाहिए, यानी पूरी दुनिया के न्यूक्लियर हथियार जब जाएंगे तब हम भी अपने हथियारों को नष्ट कर देंगे। और दूसरी ओर इंडिया के इस अच्छे रवैये के कारण जो अमेरिका है उसने हमारे साथ न्यूक्लियर डील साइन करी, तो 2005 में इंडो US न्यूक्लियर डील पे काम शुरू हुआ और फाइनली 2008 में वो साइन हो गई थी। और पिछले कुछ सालों में भारत ने इन ग्रुप्स में भी अपनी एंट्री कर ली है जो मेनली भारत को बाहर रखने के लिए बनाए गए थे, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, MTCR, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन सभी पे हमने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको StudyIQ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब एक ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बचा है जिसमें भारत सदस्य नहीं है, और वो है NSG, और यहाँ पर भी चाइना ने हमें रोक रखा है एंट्री से। बाकी हम NSG के मेंबर भी बन जाएंगे अगले कुछ सालों के अंदर, 1 या 2 साल के अंदर अंदर भारत NSG मेंबर पक्का बनेगा। और NSG तो बनाया ही भारत के खिलाफ गया था, 1974 में जब हमने टेस्ट किया था उसी वक्त NSG को बनाया था सारे पश्चिमी देशों ने। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अपने अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।